मैं एक पत्नी होते हुए भी अपने पति के साथ उस औरत को ढूंढने गई थी जो मेरी सौतन भी नहीं है। क्या हुआ गायत्री, क्यों इतनी घबराई हो? क्यों, क्या बात है बेटा? ये चली गई बिना बताए। भाई साहब प्लीज, अगर आपको कुछ मालूम हो तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। हाँ कर दूंगा जी, थैंक यू। एक ही रात में बहुत कुछ बदल गया। जान, कुछ बदल गया या नहीं बदल गया ये तो मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं नहीं बदला हूं, मैं वही हूं, तेरे लिए भी और अपने लिए भी। अपने लिए भी? भरी महफिल में दम घुटता है। उफ, ये दर्द, ये तन्हाई, सब अपने हैं। मगर सच है, कौन किसी का होता है। बड़ी पतली पतली सी नजर आ रही हो जान। ये तुम शेरो शायरी में कब से बात करने लगे? भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना तुम्हारे एक्सीडेंट की बात सुनके मैं और नीरू तो एकदम डर गए थे। मैं और नीरू? हाँ। अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से तुम्हारे बीवी का नाम। तुम दोनों डर गए थे? हाँ डर गए थे, पर अब मैं हर एक डर से बाहर हूं। कोई डर मुझे नहीं छू सकता। छू सकता, आजाद हूं मैं। कांता, ए कांता, क्या हो गया तुम्हें? कहीं एक्सीडेंट की वजह से तो कुछ? तुम ठीक तो हो? ठीक। अगर ठीक हो तो इस तरह की उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रही हो? उखड़ी उखड़ी? हम गम सदा है, लाए कहां से खुशी के गीत? देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से। कांता कांता, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ क्यों ऐसी बातें कर रही है? कुछ नहीं। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी बातें? ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। तुम यहां ना आया करो। ये क्या कह रही हो तुम?
मैं यहां ना आया करूं, तू कहां जाया करूं कांधा? देखो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे दिमाग पे असर हो गया है, तुझे आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। मैं कुछ करता हूं, तुम आराम करो, आओ। जब तक जरूरी ना हो फोन करने की कोई जरूरत ना है। अरे वो तो मैंने पता चौधरायण पर ये जो चौधरी चंदेल सिंह नाम का मानव है ना भाई, वो जरूरत पड़ने से पहले ही जरूरत की फील्डिंग कर लेता है। ना फोन कर ही लिया है तो फोन करने का कारण भी बता दे। अरे भाई कारण तो बहुत है, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। भाई फिलहाल तो ये सोचन लाग रहा था कि तेरा हाल चाल तो पूछूं कि मेरी छोरी के होने वाले ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, सपना देखना तो कोई तुमसे सीखे चंदेल सिंह। ना चौधरायण, सीखने के लिए तो मेरे पास जिंदगी का पूरा सिलेबस है। प्रभात करीब से देखा मैंने जिंदगी को। देखा है या धोखा दिया है? अरे धोखा नहीं मैं देता किसी को, जो कुछ करता हूँ खुल के करता हूँ, सबके सामने कहता हूँ, और जहाँ अपने फायदे की बात हो वहाँ छाती ठोक के मुनादी करता हूँ मैं। नहीं वो कौन सी मुनादी करनी है तने? अरे मुनादी हो चौधरायण, यो तेरे समधी ने बहुत मेडल नंबर खिला लिए, इब मैं उसी के घर पे जाके उसी के होम ग्राउंड पे उसने क्लीन बोल्ड करूंगा। देख चंदेल सिंह, तन्ने पहले भी क्या था कि फैक्ट्री पे नजर डाली ना तन्ने तो जिंदा गाड़ दूंगी, समझ में ना आता तन्ने? अरे यो ही तो समझ में नहीं आने लाग रहा। अरे कैसी गुगली है यो तेरी, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, जितना समझ आ रही है वो भी ज्यादा तेरे लिए, समझ गया? अरे मेरी समझ पर कमेंट्री ना कर तू चौधरायण, मैं जो हूं जैसा हूं, जैसा मेरा दिमाग से, जैसी मेरी समझ से, दैट इज द बेस्ट। रब बेस्ट का मतलब समझे, बेस्ट का मतलब हुए है उत्तम सर्वोत्तम। जय शीतला माता। दिमाग खराब करके रखा है इस चंदेल सिंह ने। ये राम प्रकाश के घर तो जाना ही पड़ेगा भाई, इंटरव्यू तो करना ही पड़ेगा उसका। अरे लाली भैया, क्या बात है, इतना मुंह सुजा के क्यों काम कर रहे हो? सुजा हुआ नहीं है, परेशान हूँ। परेशान? लाली भैया आपको क्या परेशानी हो सकती है ये बताइए। परेशानी तो कुछ भी नहीं है भैया, पर भैया जब से छोटी वाली बहू आई है तब से मेरे लिए घर में कुछ भी काम नहीं है। हो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शादी कर लूँ। ओ
क्या बात है लाली भैया, ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा। तो आज से लड़की देखना शुरू। ढूंढने की जरूरत नहीं है छोटी बहू। अरे क्यों देखने की जरूरत नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे तो शादी कैसे होगी? उसकी जरूरत नहीं है देव भैया। क्यों लाली भैया, आपने पहले से ही हमारी भाभी ढूंढ रखी है क्या? छोटी बहू, वो क्या है कि इस घर में जन्म लिया, पला बड़ा, जो भी काम से थोड़ा बहुत वक्त मिला उसी में लाली से प्यार हो गया। लाली से प्यार? जी छोटी बहू, वो क्या है कि उसका नाम भी लाली है। अरे वाह, ये तो बड़े मजे की बात है लाली भैया। वैसे ये लाली रहती कहाँ है? आप जल्दी से मिलवाइए, हम करा देते हैं आपकी शादी। हाँ रहती कहाँ है ये बताइए। कर तो मैं भी लूँ भैया, पर माँ जी अब उम्र भी तो हो गई है ना। माँ जी झट से कहेंगी, लाली इधर आ, इब करेगा बुढ़ापे में शादी, चल जा यहाँ से, मारे लिए पानी लेके आ। नहीं लाली भैया, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और जितनी भी होती है ना बहुत होती है। आप मिलवाइए अपनी लाली से, मैं बात करूंगी माजी से। आप करेंगी बात? इसलिए तो आपसे कहा है। ठीक है मैं मिलवाता हूँ। अभी अपने गांव गई है लखनऊ, मैं आज ही फोन करके पूछ लेता हूँ कि कब आएगी लाली। जरूर। जल्दी पूछना। देव, कांता का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कांता का एक्सीडेंट? वीरेन भैया कहाँ? कहाँ हो सकते हैं देव, मुझे तो बड़ी दीदी ने बताया। जब मैं घर आई तो जेठ जी यहाँ नहीं थे। पहली बार जब मैंने दीदी और जेठ जी को साथ में इकट्ठा आते देखा तो शक तो हुआ था किसी बात का। फिर दीदी ने मुझे बताया कि कांता का एक्सीडेंट हो गया है। ये हो क्या रहा है? अभी वीरेन भैया की जिंदगी में ये कांता नाम का प्रॉब्लम ना आना ही नहीं चाहिए। प्यार प्रॉब्लम नहीं होता देव, हालात प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जो टेंशन मैंने बड़ी दीदी के फेस पे देखी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अरे कमाल है, ये बड़ी भाभी को किस बात की टेंशन हो रही है? उन्हें तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ है, पता ही साफ। मैं होता ना तो उस कांता का मर्डर ही कर देता। ऐसा नहीं है देव, तुम नहीं समझोगे। खैर छोड़ो ये सब बातें, तुमने मुझे बताया नहीं कि फैक्ट्री का काम कैसे चल रहा है। फैक्ट्री का काम तो सही चल रहा है। आई एम एंजॉयिंग। दैट्स वेरी गुड देव। देव, मैं सोच रही थी कि इतनी सारी जमीन है हमारी, तो क्यों ना ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया जाए। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। खाली पड़ी जमीन भी काम आ जाएगी और कुछ इनकम भी हो जाएगी। तो ठीक है, तुम एक काम करो, बाऊजी के साथ जाकर सारी जमीन देख कर आओ। या फिर ऐसा करते हैं, मैं भी चलती हूँ, अगर मुझे सही लगा तो मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगी। अच्छा तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होना है, चाय लाती हूँ प्योर खिसको। खिसको? हेलो, कौन? चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ। अरे माँ बाप ने कोई तो नाम रखा होगा आपका। हाँ रखा है, पर तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं डॉक्टर ही हूँ। डॉक्टर? देखिए मुझे किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम से ठीक हूँ। फोन रखता हूँ अभी।
कांता के डॉक्टर बोल रही हूँ। तुझे जो समझना हो समझ लेना, पर एक बात याद रख, जे चंदेल के चक्कर में ना जाना। रखूं फोन? कांता की डॉक्टर? तो मुझे क्यों फोन किया आपने? और मेरा नंबर? आजकल किसी का भी नंबर ढूंढने ना कोई बड़ी बात नहीं है, और कांता ने कभी तुम्हारे बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। देखिए आप अपने काम से काम रखिए, अब कांता ने जिक्र किया या नहीं किया इसमें मैं क्या करूं? करना तो सिर्फ इतना है कि कीमत चुकानी पड़ेगी। किस बात की कीमत? इस बात की कि कांता की जिंदगी में तुम हो और वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही है। देखो एक बात कान खोल के सुन लो, जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम्हारा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। इस काम के पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें, उस काम पे ध्यान दो बस। बीच की बातें कहीं किसी अखबार की सुर्खियां ना बन जाएं वीरेन जी, बहुत से राज हैं जो अगर खुल गए तो कयामत आ जाएगी। धमकी दे रही हो? तुम डॉक्टर हो के? हाँ डॉक्टर ही हूँ, जयसवाल मैटरनिटी हॉस्पिटल। हाँ तो डॉक्टर वाला काम करो ना, कांता का एबॉर्शन क्यों नहीं किया आपने अभी तक? आपकी पत्नी ने गिराने ही नहीं दिया, और मुझे नहीं पता था कि आप उसके पति हो। खैर अब सब कुछ पता चल ही गया है तो कुछ शगुन तो बनता ही है ना। तुझे डॉक्टर बनाया किसने? मुकद्दर ने। शगुन कितना होगा मैसेज करती हूँ, उसमें सिफर कितने होंगे ठीक से देख लेना, समझे? समझ गया, तब समझ गया कि मुझे क्या करना है। फोन रख। वो तो मैं वैसे भी रखने वाली थी वीरेन जी। गुड बाय। चंदेल आ ही जाएगा थोड़ी देर में, क्या कहूंगा उसे? मैं मना ही कर दूंगा, पर क्या मना करने से मेरी समस्या हल हो जाएगी? वैसे समस्या है भी और नहीं भी, पर यह दिल का स्वाभिमान मानता ही नहीं। जिंदगी नर्म रोटियां खाकर बिताई है, अब सख्त खाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। सोच लेता हूं कि क्या कहना है उसके आते ही। बाबूजी बाबूजी, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी रुक सकते हैं हम लोग। हाँ बेटे, सोच रहा हूं कि चंदेल को मना कर ही देता हूं। हाँ बहन जी, आप सब खैरियत है? मेरी नंदनी से कोई गलती तो नहीं हुई ना? देख प्रधान, तेरी छोरी मेरे घर पे रहने लग रही सर,
ज्यादा बात ना करूंगी। तुझे जो समझना हो समझ लेना, पर एक बात याद रख, जे चंदेल के चक्कर में ना जाना। बेटा, आज तेरा ये बाप कर्जदार हो गया है। तेरी फैक्ट्री में तेरी छोरियां का भी हिस्सा है। हाँ बहन जी, ये बात तो मैं जानता हूं। जानता होगा, पर मैं कह रही हूं ये जो 45 लाख की बात है वो भूल जा। अरे दे दिया जिसने देने थे, अब चंदेल सिंह तेरे घर पे आए तो उल्टे पांव फेर दिए, समझ गया? उल्टे पांव फेर दिए? मैं समझा नहीं। क्या हुआ बाबूजी? बेटा, आज तेरा ये बाप कर्जदार हो गया है। चंदेल भाई, अब आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी रात के जुगनू इतनी रोशनी दे देते हैं कि आसमान के चांद की रोशनी के माने ही बदल जाते हैं। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब आपको मेरे यहां आने की भी कोई जरूरत नहीं है। जय शीतला माता। बाबूजी, बाबूजी ये क्या कह गए आप अब? हां बेटे, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। यही तो बात है बेटे कि जो सुनाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, वही एक दिन जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराता है। मैं कुछ समझा नहीं भावजी। नहीं समझाना बेटी, ये हमारे बुजुर्गों के जमाने की बातें हैं जो बिन कहे समझी जाती थीं। भावजी मैं ये कह रहा था कि तू कुछ मत कह बेटे। इसे एहसान कहूं या कर्ज, साफ साफ कुछ नहीं कहा चौधराइन ने। बेटी के सामने हाथ फैलाकर तो दस्तूर बदला जा सकता है, लेकिन चौधराइन का यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा मैं? वो सब कुछ है जिससे दुनिया खूबसूरत बनती है, और तुम उन सब में सबसे खूबसूरत। गुड बाय। नहीं, हेलो कांता, कांता देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हेलो कांता, हेलो कांता, कांता